जो ह्यूज के देख रही थी वो बट यहाँ पे राइड क्या फन राइड थी सो स्वीट यार आई हैव नो क्लू यार कि क्या करा क्या किस्मत खेली आज की हम इस जगह पर पहुंच गए When it comes to Ladakh, I'm sure everyone must have heard of Nubra Valley. और Nubra Valley double humped camels की वजह से famous है and इसके तहत हुंदर गांव में सब घूमने जाते हैं पर ये तो सबको पता है और यहाँ सब जाते हैं Let me take you on a beautiful virtual trip to a mysterious cave in the most beautiful village of Nubra Valley, जिसके बारे में even locals भी नहीं बताते थैंक यू हाँ अच्छी तरह अगर गिर गिर गया कुछ हो गया मुझे तो चलो बाय बाय ऑल सेट फॉर Nubra Valley होल्ड ऑन टू द हैंड ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन आई एम बैक टू अ प्लेस दैट आई लेफ्ट अ लॉन्ग टाइम अगो So we have reached this place which is wrongly known as world's highest motorable pass which is Khardungla Pass ये almost 18,000 feet की ऊंचाई पे है और यहाँ पे आके जो सांस फूल रही है ना ऑक्सीजन की कमी है काफ़ी बट बाप रे पर पानी पी लेता हूँ रुको कैसा लग रहा है आगे बहुत अच्छा सांस फूल रहे हैं हार्ट बीट बहुत तेज है ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है इट्स आई थिंक 18,000 फीट बहुत अच्छा लग रहा है हम दोनों को बाइक चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है रॉयल एनफील्ड तो मैंने एक दो बार ही चलाई है वो भी प्लेन बॉम्बे में और ये सोसाइटी में चलाता है वी आर नॉट प्रो राइडर्स और मेरे अभी लोअर बैक इंजरी हो रखी है तो मेरी तो फटी पड़ी है मस्त कमर बोली पड़ी है मेरी बट जब ऐसी सुंदर वादियों में घूम रहा हूँ तो घंटा दर पर चलेगा रात को जाके रहूँगा रूम में बट मज़े बहुत आ रहे हैं मज़ा बड़ा आता है बहुत मज़े आ रहे हैं वो है ना राहुल गांधी का मज़ा आया मजा आया इन खारदुंगला में हमें चिल्स मिलने के बाद वी हेड टुवर्ड्स Nubra Valley पर रास्ते में हमें ये स्पॉट मिला और वहां पर रुकना पड़ा हमें यहाँ बहुत ठंड है मैंने एकदम टोपी वोपी लगा ली है यहाँ का व्यू भाई हम ऊपर आ रहे थे पहाड़ से आ रहे थे हम और नीचे जगह दिखकर दूर से एकदम ब्लू पानी चमक रहा था ना मस्ट लाइक भाई ये ब्लू पानी देख के और गाजा मांगे अब जाना है वहाँ पर दिस स्पॉट इज सो ब्यूटीफुल मतलब तुम Nubra Valley जा रहे होगे अगर ले से तो ये आएगा ही रास्ते में आराम से देखेगा सो यहाँ तो एक ब्रेक लेना वैसे भी बाइक पर अगर आ रहे हो तो थक जाओगे मतलब कमर चनका जाएगी एकदम तो रुक रुक के आना आराम से ताकि कवर भी ठीक रहे और जब पुट्ठे हैं वो भी एकदम सपाट हो गए हैं ना तो उन्हें भी थोड़ा सही करना है सो या 10,000 रेस्टिंग पॉइंट पार दिल्ली से पतंग लाया था उड़ाने सक्सेसफुल हमारा ड्रोन क्रैश हो गया वेरी सनी मॉर्निंग इन Nubra Valley राइट नाउ वी आर स्टेइंग एट डिस्किट मोनास्ट्री डिस्किट मोनास्ट्री में होटल्स है वहाँ पे मतलब रूम मिलते हैं इट्स फॉर 700 बॉक्स सही है काफ़ी जगह के हिसाब से क्योंकि यहाँ से स्टार गेजिंग इतनी सुंदर होती है मिल्की वे दिखता है पूरा कलरफुल नहीं बट शेड दिख जाता है बट मैं वो कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि वो मोबाइल में आता नहीं है हमारे यहाँ होटल में एक कपल है वो हमारे अच्छे खासे दोस्त बन गए हैं सो आज हम उनके साथ घूमने जा रहे हैं हम Nubra Valley के हिडन चीज़ें ढूंढने की सोच रहे हैं मैंने सुना है यहाँ पे एक केव है हुंदर के मेन ब्रिज के पास सो हुंदर में एक मेन ब्रिज आता है जब आप जाओगे हुंदर सो वहाँ का एक मेन ब्रिज है वहाँ से लेफ्ट लोगे तो स्ट्रीम जा रही है सो वहाँ थोड़ा ढूंढना पड़ता है वहाँ अंदर एक केव है सो हम उस जगह जाएंगे
Welcome to the largest and the oldest monastery of Nobra Valley, the Skit Monastery. This monastery is mainly famous for the Maitreya Buddha statue. I would recommend to come here early in the morning, जैसे मैं अभी आया, because उस time भीड़ नहीं होगी, वरना Maitreya statue पे इतनी ज़्यादा भीड़ आती है ना शाम को. If you want the view of the whole valley, then this is the place to come. मतलब यहाँ से जो view आता है पूरे दिस्कत का और उंदर का, it's just amazing. This is Russian vodka, one of the finest of Russian. Believe you me, the Russians do not have this vodka mixing it up with any damn shit. They have it neat, and that's how I'm gonna have it. Let's pour it a little bit and take a shot. Smooth. Extra smooth. For all you guys who've been thinking that we would love to live in the commercial lands, I believe that living away from the civilizations is something beyond imaginations, and it's, believe me, the most exciting thing in one's life. Right from Hundur, we took our diversions away from civilization, and we've come almost 10-15 kilometers interiors, and there's a place called Hundur Dog. So right from the pagodas where we pray, give our basic prayers, start off, look at the view from here. You are in a crossland which is completely covered with beautiful brown mountains with the on the majestic looks of the white snow mountains. यहाँ पे पूरे जगह में सिर्फ एक घर है और हम वहाँ खाना खाने रुके हैं. वहाँ की आंटी बहुत स्वीट है, उन्होंने खाना ऑफर किया है. सो वी आर गोइंग देयर. तो इस बात पे चौंक रहा हूँ कि यहाँ पे टीवी है. यहाँ पे BSNL का नेटवर्क एक स्पॉट पे आता है. सो स्वीट यार. आटा बनाना है ना? आटा गेहूं है. हाँ ये तो गेहूं है ना, आटा बनाने वाला गेहूं है. अच्छा हाँ, वो वाला गेहूं तो सत्तू बनाने वाला है. सत्तू. ऑथेंटिक ऑर्गेनिक पुलाव सिटिंग इन हुंडूर डॉक. आई थिंक दिस इज द बेस्ट यू कैन आस्क एनीबॉडी. वाटर सॉस. अब यहाँ बोतल में पानी भरेंगे यहाँ से. ऑलराइट. आई एम नो क्लू यार कि क्या करा, क्या किस्मत खेली आज कि हम इस जगह पर पहुंच गए. और क्या केव ढूंढने निकले थे, कहाँ पहुंच गए. हमने सोचा एक दो किलोमीटर का रास्ता होगा, केव का चले जाएंगे वहाँ तक. बाइक चलाते 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 वी अराइव टू दिस प्लेस विच इज़ कॉल्ड हुंदर डॉग. किसी को पता ही नहीं है इस जगह के बारे में. और जिस एरिया में हम अभी हैं उसका नाम है वाचन. और इतनी छोटी जगह, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ सिर्फ एक घर है. वहाँ पर हमने आंटी से मजाक में पूछ लिया कि आंटी खाना मिलेगा. उन्होंने कहा हाँ खिला दूंगी. इतने अच्छे लोग अपने ऑर्गेनिक चीज़ें बनाते हैं. वो गेहूँ, ब्रोकली, गोभी, मटर. मटर हमने कच्ची खाई, क्या टेस्टी मटर थी. तो मैं असली हॉस्पिटैलिटी ऐसे एरिया में आके देखती है. मतलब इतने प्यार से उन्होंने विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन. आई थिंक आई लेफ्ट अ पीस ऑफ माय हार्ट एट दिस प्लेस. ये और कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारे दोस्त के चैनल पे मिलेगा. अलीबाबा एंड 40 थीव्स की शूटिंग, नहीं की स्टोरी यहीं आगे बनी हुई है. आज हम सब की मनोकामनाएं पूरी होने वाली है क्योंकि हम बंद दरवाजा खोलेंगे. खुल जा सिमसन. कम ऑन गाइस. अभी तो खुला हुआ है, बंद ना हो जाए बस ये दरवाजा. एक चीज जो हम चारों सोच के परेशान थे वो ये थी कि वी एंटर्ड दैट वे जस्ट टू फाइंड दैट केव. और हम चारों को इतनी बड़ी केव कैसे नहीं दिखी.
और लौटते हुए आते हुए कैसे देख गई? मे बी देयर सम मिस्ट्री बिहाइंड इट कि इट्स अली बाबा की केव, कि एक टाइम पे खुलती है एक टाइम पे बंद हो जाती है। आई डोंट नो व्हाट्स द ट्रूथ। तुम्हें क्या लगता है? तुम बताओ। टिल देन ट्रैवल मोर, मीट न्यू पीपल मोर, टॉक टू पीपल मोर, अपनी कहानियां सुनाओ, उनकी स्टोरी सुनो, एक्सप्लोर मोर, हंसो मुस्कुराओ खुश रहो, क्या पता कल हो जाओ। पाकिस्तान का यहाँ तक लाश जाऊँ, मुझे ना डर लग रहा है। कहाँ छोड़ूं तुझे ये बता, मेरे घर में।